जेके न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम सिविल डिफेंस ऑफिस में हैं, जो बच्चे लोग को ट्रेनिंग दिया गया है। ये बच्चे लोग जो जुगसलाई से अहमद कन्या विकास के संस्था के द्वारा ये और इनके अहमद कन्या विकास संस्था के प्रेसिडेंट सज्जाद हुसैन भी हमारे सामने हैं, इनसे भी जानने की आज कोशिश करेंगे। जी, आज सिविल डिफेंस कोर्स का जो फर्स्ट एड कोर्स था 6 दिन की, वो आज समाप्ति हुई है, जिसमें हमारी संस्था की 6 से 7 लड़की ने हिस्सा लिया था। आज इसका कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमारे बारिश सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं के द्वारा ये कोर्स में लड़की लोग आई है, तो बारिश सर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उसने हमारा इस हेल्प किया और हमारे लड़की लोग को यहाँ तक पहुँचाया कि कुछ ट्रेनिंग ली, फर्स्ट एड ट्रेनिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी को कुछ हार्ट अटैक आ गया, कैसे उसका उपचार करना है, कोई कहीं फंस गया, चोट लग गया, आपका कुछ सामान नहीं है, उसको कैसे ले जाना है, तो वो सब ट्रेनिंग ये सिविल डिफेंस कोर्स में कराया गया। कुछ नया चीज़ क्या सीखी? नया चीज़ तो ये लोग बताए कि क्या सीखी है। और ये फर्स्ट टाइम आपका संस्था के द्वारा हुआ? जी, ये फर्स्ट टाइम हुआ, बारी सर के द्वारा ही हुआ है, जो फर्स्ट टाइम हुआ। और हमारे सामने बारी सर भी, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज ये कोर्स का समापन हुआ है, इससे पहले लोग सारा बहुत सा ट्रेनिंग लिया। हमारा भी आज एक पार्ट था रेस्क्यू से रिलेटेड, तो आज लोगों को सिखाएं इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर कैसे बनाया जाता है, या हाथ से कैसे रेस्क्यू किया जाता है 300-400 हाथ से, या बिल्डिंग से कैसे उतारा जाता है हाई राइज बिल्डिंग से रोप के थ्रू, प्रैक्टिकल करके इन लोगों को दिखाएं। और भी धीरे धीरे इन लोगों को अलग से मौका जैसे जैसे मिलेगा, बड़े बड़े बिल्डिंग से में भी ले आके ऊपर से नीचे कैसे उतरा जाता है वो सब सिखाएंगे। नया सब नया, इनसे पहले इनको कुछ नहीं पता था, जो कुछ सीखा सब नया है। और पहली बार जो बिल्डिंग से उतरा, ये इक्विपमेंट भी डिस्प्ले करके रखे था, ताकि देख के समझ में आए कि रेस्क्यू ऐसे नहीं कि कोई गिर गया उठा के ले गया, वो अलग चीज़ है। अगर किसी ऐसे ही जगह में जहाँ सब काम नहीं कर सकता, उतार नहीं सकता, बहुत लोग का कहते हैं रस्सी बांध के उसको उतार देता है, उसको रस्सी भी टूट जाता है और नीचे वो कैजुअलिटी भी जाता है। और ये एक प्रॉपर टेक्निक ट्रेनिंग के साथ, सारा इक्विपमेंट के साथ उतारा, जो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम वर्क होता है, अच्छा सा सेफ्टी। अगर जो भी कैजुअलिटी उसको जरा भी कहीं जितना खरोच लगा लगे, उसके बाद कुछ खरोच नहीं लगेगा, इस ढंग का ट्रेनिंग के साथ इन लोगों को सिखाया गया। ट्रेनिंग करने का मकसद था कि सेफ्टी के साथ ही, सेफ्टी का साथ, विदाउट सेफ्टी ट्रेनिंग नहीं होता। ट्रेनिंग का मतलब हमको भी चोट नहीं लगना चाहिए, जिसको हम रेस्क्यू करें उसको भी नहीं लगना चाहिए। ये हमारे साथ बारी सर थे, और भी जो अहमद कन्या विकास के ये महिलाएं लोग जो है, जो गर्ल्स लोग आई भी है ये ट्रेनिंग करी, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम आपका? माइशल्फ बिस्मिल्लाह फातिमा। आज ये ट्रेनिंग जो की, मतलब कैसा लगा ट्रेनिंग करके? बहुत ही अच्छा लगा। आज के ट्रेनिंग में हम लोगों ने स्पेशली रेस्क्यू सीखा था, कि कैसे किसी भी ऊंचाई से किसी कैजुअलिटी को हम नीचे कैसे लेकर के आएंगे, और अगर हमें नीचे से ऊपर जाना है तो कैसे जाएंगे। और इसके अलावा हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा इससे पहले, फर्स्ट एड, जिसमें कि CPR सबसे मेन है, फायर बर्न प्रिकॉशंस एंड फ्रैक्चर के सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, और डिज़ास्टर्स के बारे में बताया गया। एंड जी नहीं, इससे पहले मुझे सिविल डिफेंस के बारे में नहीं पता था, अहमद कन्या विकास संस्था के द्वारा ही पता चला है। जी जी, मैं जुगसलाई से हूँ। अभी जो महिलाएं, इनसे भी सीखने में, क्या नाम आपका? मेरा नाम नूरुल नाज है और मैं जुगसलाई की रहने वाली हूँ, अहमद कन्या संस्था की वॉलंटियर हूँ, स्टूडेंट हूँ, और मैंने यहाँ बहुत सारी जानकारियाँ ली। बाकी इससे पहले सिविल डिफेंस का सिर्फ नाम सुना था, और हम लोग यहाँ सीखे सिविल डिफेंस के यूजर्स सीखे, और इसके ज़रिए हम लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन हुआ, जिससे हम लोग किसी भी विक्टिम की जान बचा सकते हैं, उनको फर्स्ट एड दे सकते हैं। थैंक यू। यहाँ पर ट्रेनिंग काफ़ी सारी है, आपको सबसे अच्छा क्या लगा? फर्स्ट एड वाला सबसे अच्छा था, दूसरा मार्शल आर्ट, जिसमें ज़्यादातर लड़कियों का सेफ्टी बताया गया, कैसे हम लोग सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं खुद का। बहुत सारे रोड में होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, उससे हम लोग अपने खुद से सेफ्टी कर सकते हैं। योगा में बहुत सारा हम लोग को सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए बताया गया, और आग से कैसे बचे, डेली यूजेस में हम लोग के घर के साथ एक्सीडेंट हो सकता है, जिससे हम लोग बच सकते हैं। इससे पहले जानते थे इसके बारे में? जी जानते थे थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ आके हम लोग को इसका एक प्रोसेस पता चला, सही तरीके से कैसे यूज़ किया जाता है।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये अहमद कन्या संस्था के द्वारा सब ये कराया गया था, जो बच्चे लोग जान सके पूरा मुकम्मल कि किस तरह से काम होता है। इस तरह बने रहे जे कन्या में।